10 बेस्ट फूड्स टू बैलेंस योर हॉर्मोन्स। दोस्तों आप लोगों ने तो सुना ही होगा, आजकल ये फ्रेज बहुत कॉमन हो गया है, हॉर्मोन इम्बैलेंस। काफी लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर में हॉर्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, इसीलिए शायद वजन ज्यादा बढ़ चुका है, फेशियल हेयर हो रहे हैं, पीरियोडिक साइकिल भी डिस्टर्ब्ड है, या फिर हम बहुत ही स्ट्रेस में हैं, या फिर हमारे ईटिंग पैटर्न के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है क्योंकि हमारे हॉर्मोनल इम्बैलेंसेस चल रहे हैं। तो ये हार्मोन होता क्या है, ये क्या चीज है, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों अगर सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो हार्मोन एक केमिकल है जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि शरीर के अंदर ही मौजूद है, उसमें प्रोड्यूस होता है। ये हमारे खून के जरिए हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स तक ट्रेवल करता है और जाते ही हमारे ऑर्गन्स, जो हमारे शरीर का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो हमारे बॉडी के फंक्शन में भी हेल्प करता है, उसी को जाके डायरेक्शन देता है कि ये काम ऐसे होगा और ये ऐसे करना है। तो आप मान सकते हैं कि हार्मोन कितना जरूरी है हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो इसका सीधे सीधे ये मतलब हुआ कि अगर हमारे हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे तो शरीर में सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया काम करेगा, और अगर हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए तो पक्का कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। डाइटरी मॉडिफिकेशन और चंद लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में हम अपने ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस को बहुत अच्छे से मॉडिफाई करते हुए ठीक कर सकते हैं। तो है ना ये गुड न्यूज। तो किस चीज का इंतजार है, आइए मैं जल्दी से आपको उन 10 सुपर फूड्स के बारे में बता दूं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करेगा। नंबर 10 ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 फूड्स टू बैलेंस योर हॉर्मोन्स में है कीनवा। जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी ग्रेन है, अगर आप इसको रोज लेंगे तो बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे क्योंकि ये आपके हॉर्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक करने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। सबसे पहले तो ये एक ऐसी ग्रेन है जिसके अंदर 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, वो इन इटसेल्फ इसको एक सुपर फूड का दर्जा दे देती है। ये प्रोटीन की मात्रा से भरपूर होता है, और तो और आपके शरीर में जो कॉर्टिसोल स्ट्रेस लेवल्स पैदा होते हैं उनको भी कंट्रोल में लेके आता है, और ऐसे ही इफेक्टिव वेट लॉस में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित भी हुआ है। तो जल्दी से कीनवा लेकर आइए, कम से कम एक मील दिन में कीनवा का खाइए, खूब सारी सब्जियां भर के, और देखिए बहुत जल्दी आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, अपने हार्मोन से रिलेटेड भी और वेट लॉस से रिलेटेड भी। नंबर 9 ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 फूड्स टू बैलेंस योर हार्मोन्स में है स्पिनच, यानी कि पालक। बहुत ही कॉमनली अवेलेबल होती है, एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड है, और तो और इसके अंदर प्लांट स्टेरॉइड भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिसका नाम है फाइटोएस्ट्रोइड। फाइटोएस्ट्रोइड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करता है, और तो और आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, और जिन लोगों को PCOS थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन जिन लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है या फिर जो लोग ब्लड थिनिंग टैबलेट्स लेते हैं उनके लिए शायद रोज पालक खाना अच्छा नहीं होगा, और आप अपने डॉक्टर से भी पूछ के ही खाइए। नंबर 8 ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 फूड्स टू बैलेंस योर हॉर्मोन्स में है एवोकाडोज। अब ये एक्सपेंसिव तो है लेकिन इसके फायदे हैं अनगिनत। अगर आप एवोकाडोस का सेवन करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा, स्पेशली उन लोगों को जिनको PCOS की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके अंदर फैट्स और फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में भरपूर पाए जाते हैं, जो कि आपके प्रोजेस्टोस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन लेवल्स को बढ़ावा देते हैं, यानी कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन साइकिल के लिए ये एक परफेक्ट फ्रूट है, और ये भी एक सुपर फूड की तरह ही काम करेगा क्योंकि वो आपके सेटाइटी हॉर्मोन्स को एक्टिवेट कर देता है। थोड़े से ही खा के पेट भर जाता है और लंबे समय तक भूख भी नहीं लगती। इसका मतलब एवोकाडो तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन जिन लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है उनको एवोकाडोज का सेवन बिल्कुल लिमिटेड फॉर्म में ही करना चाहिए। नंबर 7 ऑन द टॉप 10 फूड्स टू बैलेंस योर हॉर्मोन्स में है फ्लैक्स सीड्स। ये बहुत ही कॉमन सीड है, आजकल हर कोई इसको खाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि फ्लैक्स सीड्स को हमेशा रोस्ट करके ही खाइए,
और 1 teaspoon तो रोज लेना ही लेना चाहिए, खास करके औरतों को, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आप लोगों के बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं, और तो और इसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजेंस जैसे हॉर्मोन्स पाए जाते हैं, जो कि औरतों के अंदर जो एस्ट्रोजन हॉर्मोन है उसको प्रोड्यूस करता है। तो ये औरतों के लिए तो बहुत ही अच्छा सुपर फूड है। नंबर 6 ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 फूड्स टू बूस्ट एंड बैलेंस योर हॉर्मोन्स में है ग्रीन टी। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन टी एक ऐसा सुपर फूड है जिसमें है 0 कैलोरीज और फायदे अनगिनत। ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है और इसके अंदर एक थियोनिन नाम का कंपाउंड है, जो आपके बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिजोल नाम का एक हार्मोन है उसको रिलीज नहीं होने देता। और हाँ, ये वेट लॉस में भी बहुत हेल्पफुल है। नंबर 5 ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 फूड्स टू बैलेंस योर हार्मोन्स में है सोया, जिसको हम कॉमनली सोयाबीन या फिर टोफू के नाम से भी जानते हैं। इसका डेली यूज तो खास करके बहुत ज्यादा फायदेमंद है औरतों के लिए। सोया एक्ट्स एज अ नेचुरल एस्ट्रोजन, जिसके अंदर आइसोफ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, जो कि फाइटोएस्ट्रोजन की तरह काम करके मेनोपॉजल स्टेज में खास करके औरतों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो अगर आप अपने मेनोपॉज के स्टेज में हैं, सोया का सेवन बढ़ा दीजिए। लेकिन हाँ, जिन लोगों को थायराइड है उनको अक्सर मना किया जाता है कि ज्यादा सोया प्रोडक्ट्स नहीं खाने, हफ्ते में 1 या 2 बार आप लोग ले सकते हैं। और जिन लोगों को थायराइड इम्बैलेंस नहीं है वो रोज कम से कम 50 ग्राम सोया आराम से ले सकते हैं अपने एक मील में। तो ये प्रोटीन का भी बहुत ही अच्छा सोर्स है, और तो और ये एक सुपर फूड की तरह काम करता है जितनी भी औरतें हैं उन सब के लिए, फ्रॉम एनी एज ग्रुप। नंबर 4 ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 फूड्स टू बैलेंस योर हॉर्मोन्स में है कोकोनट ऑयल। जी हाँ, लेकिन आपको ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल ही लेना चाहिए, अडल्ट्रेट वाला नहीं, क्योंकि उसमें इतने सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा कोकोनट ऑयल का ये है कि ये कंटेन करता है हेल्दी फैट्स, जो कि मीडियम चेन फैटी एसिड्स के तौर पे पाए जाते हैं। अब ये हमारे शरीर में काफी सारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जैसे कि हंगर है, एपेटाइट है, मेटाबॉलिज्म है, और तो और ये जो हमारी इंसुलिन इनसेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है यानी कि इंसुलिन इम्बैलेंस, उस सेल्स को भी रेगुलेट करता है। तो ये तो बहुत ही फायदेमंद हुआ ना डायबिटिक्स के लिए। तो कोकोनट ऑयल को रोज अपने डाइट प्लान में इंक्लूड करना ना भूलें, बिकॉज 1 teaspoon इज व्हाट यू आर अलाउड इन 1 meal। नंबर 3 ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 फूड्स टू बैलेंस योर हॉर्मोन्स में है एग्स, अंडा। अंडे के अंदर बहुत हेल्दी प्रोटीन्स होती हैं। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीस्ट एंड न्यूट्रिशियस फूड ऑन प्लैनेट अर्थ। एग जरूर इंक्लूड करिए अपनी डेली डाइट में, लेकिन अगर आप ओबीस कैटेगरी में आते हैं तो एग योक से परहेज करिए, और खास करके वो जो हार्ट पेशेंट्स हैं या जिनको बहुत हाई बीपी की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके लिए इतना फायदेमंद नहीं है। आप चाहें तो हफ्ते में एक बार एग येलो ले सकते हैं, लेकिन रोज अगर आप एग येलो लेंगे तो ओबीस कैटेगरी वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है उसके अंदर। लेकिन एग वाइट्स भी उतनी ही हेल्दी हैं। अपने लिए बढ़िया सा 3-4 एग वाइट का ऑमलेट बनाइए, खूब सारी सब्जियां डाल के, बहुत ज्यादा हेल्दी है, आपको सेटाइटी भी देगा और फुलनेस की फीलिंग भी देगा। नंबर 2 फूड ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 फूड्स टू बैलेंस योर हॉर्मोन्स में है जिंजर, यानी कि अदरक। इसको आप चाहे जैसे भी लीजिए, इसको जूस में लीजिए, स्मूदी में लीजिए, सूप में लीजिए, या फिर चाय के फॉर्म में, अदरक के फायदे तो अनगिनत हैं। मैं गिनाती गिनाती थक जाऊंगी, लेकिन फायदे नहीं खत्म होंगे। ये सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को ही नहीं बढ़ाता, एंटीऑक्सीडेंट से भी लोडेड है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, वेट लॉस में भी बहुत मदद करता है, और जितने भी आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको खत्म करने में भी बहुत हेल्प करता है। इट क्लेंजेज योर सिस्टम फ्रॉम विद इन, और ये बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी की तरह काम करता है शरीर में जाते ही। और तो और इसके अंदर फाइबर भी भरपूर होता है, जिन लोगों को इन्फ्लेमेशन, ब्लोटिंग ये सारी की सारी प्रॉब्लम है उनसे भी बहुत जल्दी निजात मिलती है।
तो अदरक का सेवन रोज करें, भी फॉर्म में, चाहे सुबह सुबह लीजिए अदरक वाली चाय के फॉर्म में या जैसे भी, लेकिन अदरक को अगर आप चू करके लेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो जब भी आप जिंजर टी का सेवन करें तो उसको छाने ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर जिंजर टी है, लेकिन जिंजर के पीसेज अगर होंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप चू करेंगे, बहुत आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी फायदा मिलेगा, आपकी गट हेल्थ भी स्ट्रांग होगी, इम्यूनिटी भी, और आपका सिस्टम भी क्लेंज होगा, क्योंकि ये आपके LH, FSH, जितने भी लोग को थायराइड PCOS की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, और तो और डायबिटीज वालों के लिए भी जड़ी बूटी का काम करता है। नंबर 1 ऑन द टॉप 10 लिस्ट ऑफ सुपर फूड्स टू हैव फॉर योर हार्मोनल इम्बैलेंस में है फेनुग्रीक, यानी कि मेथी सीड्स। इसका सेवन रोज करिए। मैं आपको बताती हूँ, बड़ा ही आसान तरीका है। 1 teaspoon फेनुग्रीक सीड्स को लीजिए, रात को उसको साफ पानी में एकदम भिगो के रख दीजिए, लेकिन शीशे के ग्लास का ही इस्तेमाल करना है, आपने कोई भी मेटल ग्लास का इस्तेमाल नहीं करना, और उसके बाद आपने सुबह उठते ही इस पानी को एज इट इज पी लेना है। अगर गर्म करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना एज इट इज भी ले सकते हैं। और तो और जो सीड्स हैं उनको भी चबाना अनिवार्य है, क्योंकि इन्हीं सीड्स के अंदर फाइबर भी मौजूद है और इसकी सारी गुडनेस भी, जिससे आपके शरीर को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि मेथी सीड्स के अंदर होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भरपूर भंडार, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके शरीर को बहुत सारा फायदा पहुंचा सकते हैं। थायराइड पेशेंट्स क्या, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स क्या, डायबिटीज वाले क्या, PCOS वाले क्या, हर किसी को इससे फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद है, और वो भी तब जब आप सुबह सुबह इसको खाली पेट लें। तो जरूर आप लोग भी मेथी सीड्स को खाके पूरा पूरा फायदा उठाइए, और जल्दी से कमेंट करके बताइएगा नीचे कि कौन सा वाला ऐसा सुपर फूड है जिसका सेवन आप कर भी चुके हैं और आपको बहुत फायदा भी मिला है, और कौन सा ऐसा है जिसके बारे में आपको नहीं पता था और आप पक्का यूज करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपको ढेर सारे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।